ज़ैद बिन अरकम से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स वादा करे अपने भाई से और इसकी नीयत ये हो कि वादे को पूरा करेगा, फिर वो पूरा ना कर सके किसी उज़र की वजह से और वादे के मुताबिक ना आए तो इसको गुनाह ना होगा। अब्दुल्ला बिन अबिल हमसा से रवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कबल अज़ वक्त एक चीज़ ख़रीदी, कुछ कीमत इसकी मेरे ज़िम्मे रह गई थी, तो मैंने वादा किया कि मैं यहीं ला कर दूँगा, फिर मैं भूल गया। 3 दिन के बाद मुझे याद आया, मैं गया, देखा कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वहीं मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जवान, तूने तकलीफ़ दी मुझको, मैं इसी जगह हूँ, 3 दिन से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। वादा खिलाफी एक बड़ा झूठ है और गुनाह कबीरा है। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत की वईद कुरान ने सुनाई है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने झूठ को नफाक की निशानी करार दिया है।